हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन, लेकिन उसको कुछ मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। उसको बनाऊंगी स्टीम मटन, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। तो बिल्कुल दम मटन बनाऊंगी मैं। तो देखिए मैं क्या क्या ली हूँ, ये आपको दिखाती हूँ। ये मटन मेरी 3 किलो है। यहाँ पे मैंने लिए प्याज, साथ ही साथ ली हूँ अदरक लहसुन। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कटी हुई लाल मिर्च, लाल या हरी मिर्च, और साथ ही साथ मैं डालूंगी अदरक का पेस्ट, और ये वाली मसाला डालूंगी 2 पैकेट। थोड़ी सी मटन मसाला डालूंगी, खड़ा मसाला डालूंगी मैं इसमें, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, सूखी मिर्च, जीरा और गोल मरीच, सारे कुछ हैं, खड़े मसाले हैं देखिए। और इसमें मैं डालूंगी दही, 1/2 किलो दही डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक भी डालूंगी साथ में, हल्दी डालूंगी। तो चलिए मैं कैसे क्या क्या और डालूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ करीब 1 पाव। आप अगर तेल ज्यादा नहीं खाते आप ज्यादा ना डालें। जितनी मटन है उसी के हिसाब से मैं तेल इसमें ऐड करी हूँ। अब इसमें डाल दूंगी खड़ा मसाला जितने भी हैं, खड़ा मसाला इसमें डाल दी हूँ। इसी में डाल दूंगी मैं साथ ही साथ लहसुन, अदरक, साथ ही साथ प्याज भी डाल दूंगी। आप जब कभी भी इस तरीके से मटन बना के खाइए, इसका टेस्ट अलग ही है, खाने बिल्कुल ही टेस्टी है ये। तो इसमें मैं डाल दूंगी दही, देखिए 1/2 किलो दही है तो मैं दही सारा डालूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटा पहले इसको मसाले को मिला के आप 2-3 घंटे के लिए रख दें, ताकि अच्छी तरीके से जो मसाले हैं इसके अंदर चले जाए। तो मैं डालूंगी मसाले, मटन मसाला 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से, और ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि अभी अगर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट तो ये जो मटन है मेरे अंदर से चिपकने लग जाएंगे, ये जो जब मैं इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे ये डाल रही हूँ, 2 पैकेट डालूंगी मैं। ये मसाले 2 पैकेट डालूंगी। अब मसाले अगर ज्यादा नहीं खाते हैं तो आप ज्यादा ना डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मसाले कितने डालते हैं और कितने खाते हैं। अगर आप हल्का मसाला खाते हैं तो आप हल्का मसाला डालें। ये देखिए यहाँ पे मैं 2 पैकेट मसाला डाल दी हूँ। यही पर मैं डालूंगी लाल मिर्च कलर के लिए, कलर के लिए डालूंगी बिल्कुल। थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी, 1/2 चम्मच।
यहाँ पे मैं हल्दी डालूंगी। दो बड़े चम्मच हल्दी डाली हूँ। मसाले आप जब भी डालें आप देख के डालें, आपको कितना मसाला और कितना स्पाइसी आपको खाना है। यही पर मैं डाल दूंगी मिर्च जो कूट के रखी हूँ मैं इधर जरा। मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कूटी हुई मिर्च, लाल मिर्च स्पाइसी के लिए। यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। आप स्वाद अनुसार डालें। मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी। पाउडर ऐड नहीं करी हूँ मैं, ना ही गरम मसाला, बस मटर मसाला डाली हूँ। चलिए सब को मिला लेती हूँ। मैं देख लूँगी अगर मुझे तेल कम लगेगा तो मैं तेल और बाद में डालूँगी। देखिए इसको अच्छे तरीके से मैं सारे को मिला लेती हूँ। पहले आज मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। नहीं बिल्कुल भी तेल नहीं चाहिए मुझे, तेल अभी पूरी है। अच्छी तरीके से सारे मटन में मसाले, हल्दी और क्या बोलते हैं तेल, दही सब में लग जानी चाहिए। इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप दो तीन घंटा पहले आप इस तरीके से मिला के रखें। मेरे पास एक्स्ट्रा एक ही घंटा है तो मैं एक घंटे के लिए इसको मिला के छोड़ दूंगी अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से मैं मटन को मिला ली हूँ। अब मैं इसको एक घंटे के लिए मतलब जितना देर आप इसको ढक के रखोगे, मतलब ऐसे ही दो तीन घंटे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे, ठीक है, थोड़ा जूसी बनेंगे और टेस्ट भी उसका अच्छा होगा। मैं मेरे पास एक घंटा ही टाइम है तो मैं एक घंटे के लिए इसको ऐसे ढक के रख देती हूँ। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट सिर्फ कूटी हुई डाली हूँ, वैसे पेस्ट नहीं डालूँ, वैसे मैं बाद में डालूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ एक घंटे के लिए। चलिए मैं ढक देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए एक घंटे तक मैंने इसको रख दी थी। अब मैं इसको बिल्कुल कम फ्लेम में चढ़ा दूंगी, धीमे धीमे पकती रहेगी। चलिए इसी तरह मैं पकाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं जो मैं मिला उला के रखी थी मैं इसको चढ़ा दी हूँ। और ना मैं पानी, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। इसी पानी में मैं जो पानी मटन से निकली है उसी पानी से मैं पका रही हूँ। आधे पक गए हैं और आधे पकने बाकी हैं। इसको हर एक दो दो मिनट में मैं इसको चला रही हूँ, ठीक है। इतना ही पानी में मैं इसको भूनूँगी। देखें कलर भी अच्छे हैं और मसाले मुझे जितने चाहिए उतने ही हैं। तो चलिए मैं इसको और एक आधे घंटा एक घंटा और मैं इसको पकाऊंगी, ठीक है। गैस जो है मेरी बिल्कुल स्लो है, स्लो में ही मैं पका रही हूँ इसे। तो चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से पका लेती हूँ, भून लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और एक दो दो मिनट में मैं
चला चला कर देखूंगी, नहीं तो नीचे सटने लग जाएंगे। तो यहीं पे मैं हल्का सा टेस्ट के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। बिल्कुल टेस्ट के लिए थोड़ी सी डाल दूंगी, वैसे मैं डाली हूँ अदरक लहसुन, मटन है ना तो थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा पड़ता है इसमें, इतना ही डालूंगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी जिसकी टेस्ट थोड़ी सी अलग होती है। चलिए मैं इसे तरीके से अच्छे तरह से भून लेती हूँ। देखिए मटन बिल्कुल बन कर तैयार हो गए हैं, तो चलिए मैं प्लेट लगा के आपको दिखाती हूँ। उसके साथ में खाने के लिए गर्मा गर्म मैदा की कचौड़ी बनाई हूँ। देखिए मटन बन के बिल्कुल तैयार हो गए, साथ ही साथ में खाने के लिए मैदा की पूड़ी बनाई हूँ और सलाद। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि रोजाना आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, बाय।